हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा काउंट, कॉन्टैक्ट, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मज़ेदार भी, इसलिए इस वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए देखिए, हम बताएंगे आपके लिए। देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है काउंट। काउंट का उपयोग हम जिस किसी भी रो की जितनी क्वांटिटी हमें सेल की उसको काउंट करते हैं, फिर काउंटा, फिर काउंट ब्लैंक, फिर काउंट इफ। इन चारों के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में बताएंगे। देखिए, चलते हैं पहले काउंट के ऊपर। काउंट, देखिए, हम इसमें हम पता लगाएं हमने ये क्वांटिटी कितनी बार सेल करी है, कितनी बार हम क्वांटिटी को सेल करें, तो इसलिए लिखेंगे इक्वल इक्वल के बाद लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन और ये सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देंगे। देखिए, छः बार क्वांटिटी को हमने इसमें सेल किया हुआ है, जिस काउंट भी कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, ये छः बार आ गए। अब इधर आएंगे काउंट विद टैक्स, इसमें टैक्स है, इसमें लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए, इसमें चार बार आ रही क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसमें हमने टैक्स लिया हुआ है। काउंट कभी भी टैक्स को काउंट नहीं करता, ओनली नंबर को काउंट करता है। अगर हम काउंटा पे जाएंगे, जैसे भी इसमें काउंट, इसमें भी लगा के देख देते हैं। देखिए, लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देंगे। देखिए, 6 आ गया, क्यों? क्वांटिटी उसकी वहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सेम। अब एक सीरियल नंबर की भी तरह से हम बता देते हैं। देखिए, आपको लगेगा कि क्या क्वांटिटी क्या है, इसमें हम सीरियल नंबर ऐड करेंगे, 1, इक्वल दबाएंगे, प्लस लगाएंगे और इसको हम नीचे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सीरियल नंबर आ जाएगा आपका। देखिए, कंट्रोल डी दबाएंगे, देखिए 6 नंबर हैं, जिससे हमें पता चला 6 नंबर ही हैं। हम इसको साइज़ को बड़ा कर देंगे थोड़ा, उसी साइज में, और कलर लगा देंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसको थोड़ा कलर से मैच कराएंगे। बॉर्डर दे दिया, अब चलेंगे हम काउंट ए का यूज हम किसी भी रो में कितने भी कोई भी वो सही लिखी हुई क्वांटिटी सारा काउंट करेगा, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो क्वांटिटी, चाहे ब्लैंक, ओनली ब्लैंक नहीं काउंट करता और सारे काउंट करेगा। देखिए, इसमें लिखा हमने काउंट ए ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे टैक्स को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा, 6 आ गए। देखिए, 6 है, सेम है, इसमें भी नंबर जो लिखे हुए हैं टैक्स 6 लिखे हुए हैं। इसमें क्वांटिटी को काउंट करेंगे, क्वांटिटी को नंबर को भी काउंट करता है, टैक्स को भी काउंट करता है काउंट है। अब देख, काउंट है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सिलेक्ट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखिए, इसमें भी 6 आ गए। इसमें देखिए क्यों काउंट है, मैं इसमें देखिए न्यूमेरिक, वर्ड, सभी प्रकार के नंबर दिए मैंने, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि काउंट ये सभी को काउंट करता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप और एंटर मार देंगे। देखिए, इसमें भी 6 आ गए, इसमें इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, सारे काउंट किए। देखो, सैमसंग है, टैक्स है, ए है, न्यूमेरिक, उसके बाद इसमें भी हम लगा के आपको दिखाएंगे, काउंट ए सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए, इसमें भी है। अब चलेंगे काउंट ब्लैंक की तरफ। काउंट ब्लैंक होता है जो हमारे ब्लैंक सेल को काउंट करता है कि कितने सेल ब्लैंक हैं कहीं भी। देखिए, पहले हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक,
ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दो देखिए गिनिए, एक दो, दो ब्लैंक सेल हैं इस सीट में। अभी मैंने आधा सीट चेक किया तो इसलिए इसमें दो ब्लैंक सेल हैं, एक और एक, ये दो। अब हम इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सेलेक्ट, एंटर मारेंगे। देखिए इसमें भी दो हैं, देखिए एक और दो। अब हम ब्लैंक हटाएंगे, हटा के भी दिखाएंगे कि ये हटके देख रहे हो कम हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए हमने ऐड किया, एक ऐड कर दिया, देखिए एक रह गया। और हम एक डिलीट करेंगे, डिलीट किया देखो दो हो गए, एक और डिलीट किया देखिए थ्री हो गए। जितने ब्लैंक सेल होंगे सारे काउंट करेगा इसमें, सभी देखिए सभी की क्वांटिटी वही है। अब इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इससे आपको साफ साफ दिखे। अब यहाँ पे देखेंगे काउंट ब्लैंक इक्वल दबाएंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे काउंट ब्लैंक और एरिया को सिलेक्ट करेंगे इसको, पूरी टेबल को। देखिए इसमें हमने पूरी टेबल ले ली, पूरी टेबल के अंदर भी बताएगा कितने ब्लैंक सेल हैं। एंटर मारा, फाइव ब्लैंक सेल हैं, एक दो तीन चार और पाँच। देखिए पाँच ब्लैंक सेल हो गए। उसके बाद हम चलेंगे काउंट इफ की तरफ। काउंट इफ सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि आगे आपके आने वाले वीडियो में काम आएगा। आप वीडियो को आगे भी देखें तो उसमें काउंट इफ का यूज मैं आपको बताऊंगा क्या यूज होता है काउंट इफ का। अगर मेरे को पता करना है कि मेरे को समथिंग कितनी बार आया तो हम उसको काउंट इफ की मदद से लगा सकते हैं। जैसे हम दबाएँ इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे इसमें और कॉमा लगाएंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा, डबल कॉमा, उसके बाद लिखेंगे सैमसंग, जो हमें चीज़ चाहिए कितनी बार आई है। एंटर मार, देखिए सैमसंग छः बार आया इसमें, काउंट करेंगे तीन चार पाँच छः, सिक्स बार सैमसंग आया इसमें। ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा कि कितनी बार सैमसंग आया, जैसे हम यहाँ भी लगा सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे कोई भी वर्ड कितनी बार आया है, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट कर लेंगे इसको एरिया को और कॉमा लगाएंगे। हमें देखना है किस चीज़ को हमें देखना है कितनी बार आया, तो उसका लिखेंगे जैसे मेरे को देखना है 15 कितनी बार आया। देखिए एक बार आया है 15 ओनली, देखिए हम दिखाएंगे 15 एक बार, ये है एक ही है और 15 कोई नहीं है, 15 ओनली एक बार आया है। अब इसमें हम देखेंगे काउंट इफ, इसमें भी लगा के देखेंगे, इसमें देखेंगे हम सिलेक्ट करेंगे पहले वैल्यू, इसमें वीवो कितनी बार आया है वो भी दिखाएंगे आपको। सैमसंग तो मैंने बता दिया था आपके लिए, वीवो देखिए थ्री बार आया ओनली, 1 2 3। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।